इसराइल और हमास के बीच चल रही वॉर ने पूरी दुनिया के लोगों का दिल दहला दिया है। इस वॉर के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। मधुरा नायक, जो कि एक फेमस टीवी एक्ट्रेस है, टीवी सीरियल नागिन से घर घर में पहचान बना चुकी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी अपने को खो दिया है। टीवी शो नागिन फेम मधुरा नायक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में उन्होंने बताया कि मैं मधुरा नायक, ज्यू ऑफ इंडियन ओरिजिन, हम भारत में सिर्फ 3,000 बच्चे हैं। उन्होंने आगे बताया कि उनकी कजन सिस्टर और जीजू को उनके बच्चों के सामने ब्रूटली मार दिया गया। एक्ट्रेस ने बताया कि इस बात की जानकारी उन्हें 7 अक्टूबर के एक दिन पहले यानी 6 अक्टूबर को मिली। जिस दर्द और इमोशन से मैं और मेरी फैमिली गुजर रहे हैं उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। आपको बता दें कि मधुरा की बहन और जीजा इसराइल में रहते थे। मधुरा ने आगे बताया कि आज इसराइल दर्द में है। हमास की आग में बच्चे, औरतें और बूढ़े जल रहे हैं। कल मैंने अपनी बहन, उनके पति और बच्चों की फोटो शेयर की थी ताकि दुनिया हमारा दर्द देखे। ये देखकर मैं हैरान हूँ कि फिलिस्तीन प्रोपेगेंडा कैसे चला रहा है। मुझे ज्यू, यहूदी होने के चलते शर्मिंदा किया गया, ह्यूमिलिएटेड और टारगेट किया गया। लास्ट में मधुरा ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस आतंकवाद नहीं होता है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, मैं दोनों तरफ से किसी भी तरह के वायलेंस का सपोर्ट नहीं करती हूं। आपको बता दें कि इंदौर की रहने वाली मधुरा टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। कई दिल्ली सोप में वो नेगेटिव रोल्स प्ले कर चुकी हैं। उन्होंने प्यार की एक कहानी, हमने ली शपथ, नागिन, उतरन और इस प्यार को क्या नाम दूं जैसे कई टीवी शोज में काम किया है।